हम बात करेंगे आज वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज VARS। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। तो काफी सारे बच्चों ने मुझे ऐसा बताया कि सर आप हिंदी में भी पढ़ाओ तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैंने हिंदी में पहला वीडियो बनाया है। तो पहले हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ VARS सिस्टम, दैट मीन्स वेपर एब्सॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो एग्जाम पहले हम कैसे ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं, तो मैं पहले इधर ड्राइंग करूंगा, उसके पहले हम देख लेते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ब्लॉक डायग्राम। तो बेसिकली फाइव डिफरेंट पार्ट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें से फर्स्ट एब्सॉर्बर, सेकंड जनरेटर, थर्ड कंडेंसर, फोर्थ एक्सपांशन वाल्व एंड फिफ्थ वन इवापोरेटर। तो पहले हम ये फाइव डिफरेंट पार्ट्स को इधर ड्राइंग करेंगे और फिर बाद में वो कैसे इंटरकनेक्टेड है वो देखेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट एब्सॉर्बर, सेकंड जनरेटर, थर्ड कंडेंसर, फोर्थ एक्सपेंशन वाल्व एंड फिफ्थ वन इवापोरेटर। तो पहले हम ये पांच कंपोनेंट है उसको कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखते हैं। तो जनरेटर है वो एब्सॉर्बर के साथ कनेक्शन में है थ्रू दी थ्रोटल वाल्व, कभी कभी उसको प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व भी कहते हैं। नेक्स्ट एब्सॉर्बर इज वंस अगेन कनेक्टेड टू द जनरेटर थ्रू दी पंप। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट जनरेटर एब्सॉर्बर के साथ कनेक्शन में थ्रू द थ्रोटल वाल्व, एब्सॉर्बर जनरेटर के साथ कनेक्शन में थ्रू द पंप। एक पाथ बन गया और दूसरा पाथ, जनरेटर कनेक्शन में कंडेंसर के साथ, कंडेंसर में ये सब ट्यूब्स है, फिर कंडेंसर कनेक्शन में आता है एक्सपांशन वाल्व के साथ एंड एक्सपांशन वाल्व इज कनेक्टेड विथ इवापोरेटर। इवापोरेटर में भी ट्यूब्स है, अगेन इवापोरेटर एब्सॉर्बर के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये पहला पाथ है और ये दूसरा पाथ है। जनरेटर के साथ हीटिंग कॉइल अटैच में होती है, हीटिंग कॉइल दैट मींस हीटर। तो एक्सटर्नल सप्लाई के साथ उसको हीट सप्लाई किया जाता है, एब्सॉर्बर में कूलिंग वाटर की सप्लाई दी जाती है एंड इट इज द वाटर इन एंड दिस इज द वाटर आउट एंड इट इज ऑब्वियसली कूलिंग वाटर। सो आप समझ सकते हैं कि इधर टेम्परेचर होगा वो कम होगा, मतलब कोल्ड वाटर इन, और इधर हीट गेन करके आएगा तो हॉट वाटर आउट। टू अंडरस्टैंड द फिगर नंबरिंग कर देते तो 1, 2, 3, 4, 5, तो एक पाथ बन गया और दूसरा पाथ 6, 7, 8। नाउ स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट नंबर 1 से। सो इधर पहले होता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर एमोनिया वेपर, एंड एमोनिया वेपर दैट मीन्स रेफ्रिजरेंट वेपर। एमोनिया इज यूज एज ए रेफ्रिजरेंट इन VARS सिस्टम। तो पहले एमोनिया वेपर होता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर, फिर वो वेपर एंटर होता है एब्सॉर्बर में और वहां से जाके जनरेटर में जाके कंडेंसर में आता है, तब बन जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एमोनिया वेपर। Here it is low pressure, low temperature. Now it is high pressure, high temperature. So keep in mind that तो ये generator and absorber VCRS system में नहीं था, अब ये VARS system में compressor की जगह ये दोनों component आ गए। Then condenser के बाद में high pressure, low temperature liquid बन जाता है। तो condenser का काम यही है phase change करने का, तो vapor में से liquid बन गया। Next आफ्टर एक्सपेंशन वाल्व लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर हो गया। अब हम देखते हैं एग्जैक्टली ये कैसे काम करते हैं, मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होती है। तो ये ब्लॉक डायग्राम जो हमने डिस्कस कर लिया, तो पॉइंट नंबर 1, इन VCRS कॉम्प्रेसर हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेपर विच कंज्यूम्स मोर पावर। मतलब जो VCRS वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम थी उसमें कॉम्प्रेसर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेपर हैंडल करता था, बल्कि वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है।
तो दिस प्रॉब्लम इज एलिमिनेटेड इन VARS सिस्टम, मतलब कंप्रेसर निकाला गया, उसकी जगह पे आ गए एब्सॉर्बर एंड जनरेटर, एंड सो दैट इट कंज्यूम्स लेस पावर। तो एब्सॉर्बर क्या है? जो एब्सॉर्ब करता है वेपर रेफ्रिजरेंट, इधर से जो वेपर रेफ्रिजरेंट आता है उसको एब्सॉर्ब करता है एंड कन्वर्ट इट इनटू द लिक्विड फॉर्म। सो हियर यू कैन सी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बना देता है। तो ये एब्सॉर्बर है, एब्सॉर्बर जनरली वाटर रहता है, तो इधर वाटर फिलअप किया हुआ होता है, वाटर ये वेपर को एब्सॉर्ब करता है और उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन मतलब ज्यादा एमोनिया है। एंड देन दिस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन इज सेपरेट ओवर हियर इन जनरेटर। तो जनरेटर में आ जाने के बाद उसको हीटिंग मतलब हीट देते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में से एमोनिया वेपर सेपरेट हो जाते हैं और वो कंडेंसर में चले जाते हैं एमोनिया वेपर। जो बाकी का वाटर बचा है वो वाटर इधर आता है, जिसको बोलते हैं वीक सॉल्यूशन। तो वीक सॉल्यूशन मतलब जिसमें एमोनिया वेपर नहीं होता है, तो वापस वो वाटर इधर आ जाता है, वापस वीक सॉल्यूशन एमोनिया वेपर के साथ मिक्स होता है एब्सॉर्बर में, वापस वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनता है। इसलिए इधर लिखा है कि एब्सॉर्बर सेपरेट, एब्सॉर्बर मींस वाटर, दैट मींस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन सेपरेट्स वेपर रेफ्रिजरेंट व्हेन इट इज हीटेड एट हाई प्रेशर, एंड यू नो दैट ड्यू टू द पंपिंग द प्रेशर इज हाई ओवर हियर। वाटर इज जनरली यूज एज एब्सॉर्बर इन VARS, क्योंकि वाटर के पास एबिलिटी है, वो जल्दी से डिसॉल्व कर देता है एमोनिया वेपर को और जल्दी से सेपरेट कर देता है एमोनिया वेपर को एट हाई प्रेशर, एंड दैट इज रिटन ओवर हियर। एमोनिया डिसॉल्व इजीली इन द वाटर एंड वेपराइज, दैट मीन सेपरेट व्हेन इट्स सॉल्यूशन इज हीटेड, सो इट इज यूज एज रेफ्रिजरेंट। नाउ नेक्स्ट, वीक सॉल्यूशन दैट मीन्स वाटर, तो वाटर के साथ एमोनिया वेपर मिक्स होता है, वो दोनों मिक्स होता है और वो लिक्विड फेज बन जाता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। और वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन पंपिंग होके जनरेटर में जाता है, तो पहले इधर लो प्रेशर रहता है, आफ्टर पंपिंग उसका प्रेशर बढ़ जाता है हाई प्रेशर, एंड ड्यूरिंग एब्सॉर्प्शन प्रोसेस हीट इज रिलीज। तो इधर जब वीक सॉल्यूशन एमोनिया वेपर के साथ मिक्स होता है तो हीट रिलीज होती है, वो हीट रिलीज को रिजेक्ट करने के लिए कूलिंग वाटर रखा गया है, एंड दिस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन इज पंप इन टू द जनरेटर वेर इट इज हीटेड बाय द हीटिंग कॉइल, एंड सो दैट एमोनिया वेपर दैट इज सेपरेटेड। सो कीप इन माइंड, जब हम स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को हीट सप्लाई करते हैं तो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में से एमोनिया वेपर सेपरेट हो जाता है और बाकी बचा वाटर थ्रू द थ्रॉटल वाल्व वीक सॉल्यूशन बन के इधर वापस एब्सॉर्बर में आ जाता है। और ये जो एमोनिया वेपर है, जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर है, वो कंडेंसर में जाता है। इधर लिखा है वीक सॉल्यूशन कमिंग बैक टू द एब्सॉर्बर थ्रू द थ्रॉटल वाल्व, और वो फिर से वीक सॉल्यूशन इधर से एमोनिया वेपर के साथ मिक्स होता है, वंस अगेन स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाता है, और ये साइकिल रिपीट होता रहता है। नाउ नेक्स्ट हियर, ये जो एमोनिया वेपर है वो कंडेंसर में जब पास होता है तो कंडेंसर एक तरह का हीट एक्सचेंजर है और उसमें काफी सारी ट्यूब्स रहती है, तो ट्यूब में से एमोनिया वेपर है वो पास होके बाहर निकलता है, तब वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड कंडेंसर दैट मींस फेज चेंज फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाने से हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर हो जाता है। अब NH3 लिक्विड दैट मींस लिक्विड एमोनिया एक्सपांशन वाल्व में से पास होता है तो एक्सपांशन प्रोसेस होती है और उसकी वजह से हाई प्रेशर लो प्रेशर हो जाता है, तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर एमोनिया लिक्विड इवापरेटर में एंटर होता है। इवापरेटर भी हीट एक्सचेंजर है और उसमें भी ट्यूब से, तो ट्यूब में से पास होके इधर आता है, तब तक लिक्विड वेपर बन जाता है, क्योंकि इवापरेटर मतलब हम फ्रीजर में जो आइस रखते हैं वो स्पेस, मतलब ये जो स्पेस है जिसको हमें कूल करना है उसमें से
हे NH3 लिक्विड मीन्स एमोनिया लिक्विड लेटेंट हीट एब्सॉर्ब करते हैं तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। रेफ्रिजरेंट एब्सॉर्ब करता है हीट, इसलिए इवापरेटर की स्पेस में कूलिंग इफेक्ट आती है जिसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और बाद में ये वेपर वापस वीक सॉल्यूशन के साथ मिक्स होता है एब्सॉर्बर में और ऐसे ये साइकिल भी रिपीट होता है। सो थैंक्स माई डियर फ्रेंड्स, प्रेस द लाइक बटन टू अप्रिशिएट दिस वीडियो।